Now, children, let's move on to the new and very interesting topic and a new chapter, which is chapter number 49, and the name is World of Robots. So, here in this chapter, we are going to learn about different robots. So, robots are automatically operated machines that work in place of humans. तो हम ह्यूमंस की जगह पे ये वो रोबोट्स क्या करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं. रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. ये एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की एंड साइंस की, दैट डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ रोबोट्स. ये क्या करता है, रोबोट्स के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग के साथ मिलके वर्क करता है. A robot is a type of automated machine that can execute specific task with little or no human intervention and with speed and precision. Robots जो एक ऐसी machine है, automatic machines हैं जो काम करती हैं थोड़े बहुत human help से, या बिल्कुल भी नहीं human help की ज़रूरत नहीं होती है, और ये speed और precision के साथ deeply काम कर लेती हैं. As I have already studied various applications of humanoid robots in personal assistance. तो personal assistance में हमने बहुत सारे humanoid robots के बारे में पढ़ा है. Care giving, education and entertainment. तो ये personal assistance में भी काम आते हैं ये robots, ये care giving में काम आते हैं, ये education sector में काम आते हैं, ऊपर से entertainment sector में भी ये काम आ रहे हैं. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ robots के बारे में. First picture you can see. And the name is THR3. ये है हमारे रोबोट का नाम. Like real world human avatar, TH3 is a humanoid that mimics the movement of its human operator. तो ये एक रोबोट है, humanoid रोबोट है, जो ये क्या करता है, जो भी इसका ऑपरेटर है उसके सारे गतिविधियों को ये मॉनिटर करता है और वैसा ही मिमिक करता है, वैसा ही बिहेव करता है, उस पर्सन के सारे मूवमेंट्स को वो कॉपी करता है. इन फ्यूचर दीज ह्यूमनॉइड्स कैन परफॉर्म सर्जरीज वाइल देयर ह्यूमन ऑपरेटर डॉक्टर कुड कंट्रोल देम फॉर अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये जो रोबोट्स हैं ये सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं, और इनके जो डॉक्टर हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं, ये इन्हें दूसरे चीज़ों के लिए भी तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स सोफिया. Sophia is the first humanoid to receive citizenship of a country. ये पहली ऐसी रोबोट है जिसे किसी कंट्री का citizenship मिल चुका है. Perhaps the most recognizable face of humanoid. ये काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना humanoid face है. Who was developed by Hong Kong based Hanson Robotics. जिसे जो है Hong Kong में रहने वाले Hanson Robotics है उन्होंने develop किया था. And was activated on 14th February 2016. और इसे 14th February 2016 को activate किया गया था. Now children, the next robot is Digit. Here you can see the picture. Ford became the first owner to deploy Digit humanoid. Ford पहली कंपनी थी जिसने जो है Digit humanoid को क्या किया था, deploy किया था into a factory setting. Factory setting में Ford now envisions that Digit will ride in a driverless car and deliver packages to customers, automating the whole delivery process. तो Ford company का ये मानना है कि ये जो robot है Digit, ये क्या करेगा, ये driverless work करेगा, इसको किसी driver की ज़रूरत नहीं है, और ये packages को बहुत ही easily customers तक पहुँचा देगा एंड डिलीवरी प्रोसेस को और भी ज़्यादा ईजी कर देगा. नेक्स्ट इज रोबोथेस्पियन. रोबोथेस्पियन इज एन एक्टर दैट कम्स विथ अ लाइब्रेरी ऑफ इम्प्रेशंस. ये एक एक्टर है, एक्टर्स की तरह बिहेव करता है, इसके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, इम्प्रेशंस हैं, ग्रीटिंग्स हैं, सॉन्ग्स हैं, जेस्चर्स हैं, अलग अलग तरीके की जेस्चर्स भी ये करके दिखाता है. Several of these can be added together to become a robotic theater. बहुत सारे इसमें से यूज़ किए जा सकते हैं रोबोटिक थिएटर को डेवलप करने में. नेक्स्ट रोबोट इज नाउ. द बिगेस्ट बैंक ऑफ जापान टोक्यो मित्सुबी UJF हैज़ एम्प्लॉयड नाउ टू हेल्प पीपल आंसर द क्वेश्चन ऑन हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट एक्सेट्रा.
सो ये जो है बिगेस्ट बैंक जो जापान का टोक्यो में, जिसका नाम है मित्सुबी UFJ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नाव को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दी है, जिसका काम है लोग जो भी आते हैं उन्हें बताना कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है और दूसरे कौन कौन से काम कैसे करने हैं। इट स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड जापानीज, इंग्लिश एंड चाइनीज, और ये जो रोबोट है ये जापानीज, इंग्लिश और चाइनीज तीनों लैंग्वेजेस बोल सकता है। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नाव। नेक्स्ट रोबोट इज जेड मशीन्स, डेवलप्ड इन जापान। जेड मशीन्स आर म्यूजिक बैंड, ये जो है एक म्यूजिक बैंड है, एंड इट हैज़ अ गिटारिस्ट विथ 78 फिंगर्स एंड अ ड्रमर विथ 22 आर्म्स। तो ये जो रोबोट है इसमें एक गिटारिस्ट है जिसके पास 78 फिंगर्स है और एक ड्रमर है जिसके पास 22 आर्म्स हैं। नेक्स्ट, मोले रोबोटिक किचन। इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ कुकिंग, दिस इज़ द राइट रोबोट टू ओन। अगर आपको कुकिंग पसंद नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा रोबोट है आपके लिए। दिस रोबोट इज क्लेम टू हैव स्किल्स ऑफ मास्टर शेफ। इस रोबोट में ऐसा कहा जाता है इसके अंदर सारी खूबियां है मास्टर शेफ की। इट विल लर्न न्यू रेसिपीज, कुक फॉर यू एंड क्लीन अप आफ्टरवर्ड्स। ये आपके लिए नई रेसिपी सीखता है, आपके लिए खाना बनाता है और फिर क्लीन अप का काम भी करता है। सो यू कैन सी इट्स सो अमेजिंग हियर। नेक्स्ट रोबोट इज पारो। पारो इज अ टॉकिंग रोबोट दैट इज यूज फॉर थेरेपी। ये एक टॉकिंग रोबोट है जो थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। इट्स अपियरेंस इज सिमिलर टू अ बेबी हाफ शील। ये बेबी हाफ शील की तरह दिखता है। इट इज अ फरी डिवाइस दैट हेल्प्स लोअर द स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन केयर गिवर्स एंड पेशेंट्स। ये क्या है, ये जो पारो है ये एक फर से बना हुआ डिवाइस है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा फरी इसकी बॉडी है, और ये क्या करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जो भी पेशेंट्स हैं उनके बीच में इम्प्रूवमेंट लाता है कम्युनिकेशन में, और जो केयर गिवर्स और पेशेंट्स हैं उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव वेन इट कम्स टू मोटिवेटिंग एंड असिस्टिंग पेशेंट्स टू रिलैक्स। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जब ये क्या करता है, अपने पेशेंट्स को हेल्प करता है मोटिवेट या फिर असिस्ट करने में। नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट रोबोट इज रूट। रूट इज अ रोबोट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग यू लर्न कोडिंग। रूट एक रोबोट ऐसा रोबोट है जो आपको कोडिंग लर्न करने में हेल्प करता है। इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम अ वाइट बोर्ड यूजिंग ड्राई इरेजर मार्कर्स। इसे जो ऑपरेट किया जा सकता है वाइट बोर्ड से ड्राई इरेज मार्कर से। इट कैन मूव अलॉन्ग विथ द पाथ यू ड्रॉ ऑन द वाइट बोर्ड। जो भी आप रास्ता ड्रॉ करेंगे वाइट बोर्ड पर उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। और ऑन अ फ्लैट सर्फेस विद द हेल्प ऑफ अ मैगनेट, या फिर अगर किसी फ्लैट सर्फेस पर आप यूज़ कर रहे थे तो इसमें आपको मैगनेट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज जेनबो। जेनबो इज़ अ लो कॉस्ट रोबोट केपेबल ऑफ रोलिंग अराउंड फ्रीली। जेनबो क्या है, एक लो कॉस्ट रोबोट है जो काफ़ी ईजिली हर जगह रोल आउट करता है। इट कैन अंडरस्टैंड वर्बल कमांड्स, ये वर्बल कमांड्स को समझ सकता है। इट इज़ मेड टू हेल्प पीपल रिमेंबर डेली टास्क, ये हेल्प करता है लोगों को डेली टास्क याद करने में। सच इज एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन, एक्सरसाइज और मेडिकेशन को याद करने में ये लोगों की हेल्प करता है, कब हमें टाइम पे एक्सरसाइज करना और कब हमें मेडिसिन लेना है। एज वेल एज डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, और डॉक्टर की जो भी अपॉइंटमेंट है वो भी हमें याद दिलाता है। इट मॉनिटर्स सराउंडिंग कंटिन्यूसली टू आइडेंटिफाई एनी इमरजेंसी, ये अपने आपके सराउंडिंग को हमेशा केयरफुली ऑब्जर्व करता है और ये देखता है कि कहीं किसी इमरजेंसी की ज़रूरत तो नहीं है। नेक्स्ट इज डैश एंड डॉट। डैश एंड डॉट आर पार्ट ऑफ एन एजुकेशनल इकोसिस्टम एंड अ फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल फॉर चिल्ड्रन। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल रोबोट्स हैं। डैश इज बिगर वन विथ व्हील्स एंड डॉट इज स्मॉलर वन। डैश जो बड़ा वाला है जिसके पास व्हील है और जो डॉट है वो स्मॉलर है। डैश इज फुल ऑफ कैरेक्टर्स एंड ड्राइव्स अराउंड मेकिंग नॉइजेज एंड शाइनिंग लाइट्स। डैश जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, इसमें लाइट जलती रहती है, नॉइज़ आता रहता है और ये मूव कर सकता है रूम में। सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ डैश एंड डॉट।
So these all were the robots that we have learned. Your children, I hope it's clear to you.